शादाब जी, एक बार फिर से मैं आऊंगा शादाब जी, मैं समझता हूं रतूड़ी साहब जो कह रहे हैं शादाब जी, उसमें ठीक है, इंसान इस वक्त परेशान है, रात में सो नहीं पा रहा होगा और तमाम तरह की दिक्कतें हैं, और हारे हुए जो महारथी होते हैं ऐसा नहीं कि वो जीवन से हार गए, वो राजनीतिक जीवन से जरूर थोड़े समय के लिए उनको हार मिली है, लेकिन हार को स्वीकार कर लेना चाहिए और स्वीकारने के पीछे जो वजह है वो बहुत सही बात करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, अब कांग्रेस क्या सोच रही है, बाकी पार्टियां क्या सोच रही, क्या लेना देना है बीजेपी को, बीजेपी का रोड मैप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी को इस बार उत्तराखंड की जनता ने दिया है, ये एक बड़ा बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत कही जाएगी शादाब जी, कि दोबारा एक ऐसी पार्टी को मौका दिया गया उत्तराखंड में, नहीं तो वहां तो कहां मिलते इस तरह के मौके आते थे। शादाब जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत है शादाब जी, क्या वो कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या कुछ ऑडियो? हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है माइक्रोफोन अपने मुंह के पास रख के थोड़ा सा बताइए तो शायद अच्छे से आवाज आ जाए। जी जी सर बताइए जी। दो तिहाई मैंडेट उत्तराखंड की जनता ने हमें दिया और उससे हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी आ जाती है और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरा पहाड़, हम ये तो सुनते थे कि मोदी जी उत्तराखंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद मोदी जी की गलत कही भी इस बार हमने भी दूर कर दी कि हम उत्तराखंडी, मोदी जी हम आपसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं, उत्तराखंड के लोगों ने साबित कर दिया। तमाम मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सरकार उत्तराखंड के लोगों ने दी है और इसमें कोई शक नहीं है, जो वादे किए गए हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ एक एक वादे को पूरा किया जाएगा। हम झूठ की राजनीति नहीं करते, कांग्रेस को हमने देखा उन्होंने किस तरह से झूठ की राजनीति करते हुए कहा हम 500 रुपए का सिलेंडर दे देंगे अगर हम जीत गए तो। हमने पूछा भाई जो स्टेट्स में आप जीते हुए हैं पहले वहां दे दीजिए तब हमारे साथ बात कर लीजिएगा, तो उनकी झूठ की जो राजनीति थी वो पूरी तरह से एक्सपोज हुई है प्रदेश के अंदर। और मैं इतना जरूर कह रहा था कि हम जीते, हमारे युवा मुख्यमंत्री चुनाव हार गए और जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, जिनके नेतृत्व में चुनाव जीते, वो चेहरा बहुत मजबूत चेहरा था, इसलिए कमांडर की तरह, एक मजबूत सैनिक की तरह, मजबूत लीडर की तरह उन्होंने कहा कोई अपनी सीट बदलेगा नहीं। वो जानते थे पहले से कि वहां के समीकरण अच्छे नहीं है उस विधानसभा के जहां से वो चुन के आते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि अगर कमांडर पैनिक कर गया तो पूरी पार्टी पैनिक कर जाएगी, सब अपनी इच्छा के अनुसार सीट आसान सीटों पे जाना पसंद करेंगे तो फिर कठिन सीटें कौन लड़ेगा। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारे प्रदेश में प्रचार किया और तमाम एक बड़ी जीत का कारण उनकी भागदौड़ और संगठन के साथ जो उनका तालमेल रहा। मतलब मैं इसको ऐसे समझूं शादाब जी, वैसे आपके आपके मतलब बीजेपी जिस चेहरे पर चुनाव लड़ी वो चेहरा ही हार गया चुनावी मैदान में, इसका बड़ा बड़ा एक सकारात्मक पक्ष मैं देख रहा हूं कि हारने के बाद भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि सेनापति अगर घायल भी हो गया और सेनापति के नेतृत्व में पूरी सेना जीत गई जंग को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेनापति पर अब भरोसा नहीं किया जाएगा, सेनापति पर दाम नहीं लगाया जाएगा। वो घायल हुए हैं ठीक होंगे, फिर से दोबारा दौड़ने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसको इसी तरीके से ले रहा हूँ कि चुनावी हारे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनका जो विजन है, जो विचार है बीजेपी को कैसे, बीजेपी के नेतृत्व में बेहतर सरकार कैसे चले और जनता के लिए क्या भलाई किया जाए, जनता ने तो इसीलिए मैंडेट भी दिया है, मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है।